फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से इस स्पीड के लिए मेरे पास हद से ज्यादा कॉल्स आई हुई है कि भाई डोबरमैन के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ। तो फाइनली बात करने वाले हैं उसी डॉग ब्रीड के बारे में जो है डोबरमैन। तो गाइस, फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी पपीज होम ब्रीडिंग के हैं। ओनर कहीं बाहर से पपीज को लाकर सेल नहीं करते। तो फ्रेंड्स, डोबरमैन इतनी फेमस डॉग ब्रीड क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि एक तो ये डॉग वन ऑफ द लॉयलेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है, जो अपनी फैमिली और ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, और ये चीज आप लोग गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। और सेकंड चीज, डोबरमैन नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं, इन्हें गार्डिंग के लिए ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे अगर इनके टेम्परामेंट के बारे में बात की जाए तो डोबरमैन बहुत ही एनर्जेटिक, ओबीडियंट, इंटेलिजेंट, फियरलेस, अलर्ट, लॉयल और कॉन्फिडेंट डॉग ब्रीड है। इनकी इतनी सारी खूबियां देखने के बावजूद ही इन डॉग्स को पुलिस वर्क और आर्मी वर्क में भी यूज किया जाता है। वैसे दोस्तों, अगर पपीज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और कलर भी आप लोगों को दोनों ही मिल जाएंगे, चॉकलेट एंड ब्लैक एंड टैन। और फ्रेंड्स, जिन लोगों की यूरोपियन डोबरमैन की रिक्वायरमेंट है, वो लोग भी इन्हीं ओनर से कॉन्टेक्ट करें, जब इनके पास अवेलेबल होते हैं तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। बिकॉज ये ओनर मोस्टली सिर्फ डोबरमैन में ही डील करते हैं, इनके पास हमेशा आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के डोबरमैन पपीज मिल जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, बहुत से लोग सोचते हैं कि डोबरमैन बहुत ही अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, बट ये बेवजह कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर ऐसा कभी होता भी है तो या तो ये खुद को सेव कर रहे होते हैं या फिर अपनी फैमिली को। सो फ्रेंड्स, आगे की डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले ये हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है स्टडी विद ट्विंस, सेकंड है दिव्येश चवड़ा एंड थर्ड है हिमांशु धामिनी। तो गाइस, पपीज तो काफी अच्छी क्वालिटी में है ही, साथ में आप लोग इनके मदर फादर की क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स इन पपीज के पेरेंट्स हैं। तो इन दोनों की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पपीज की एज, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में। तो अगर फर्स्टली इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 35 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि ये पपीज भी आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी पे मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट ये ऑफर आप लोगों को सिर्फ दिल्ली NCR में ही मिल पाएगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के जो भी ऑफर्स होते हैं वो सिर्फ वहीं पर अवेलेबल होते हैं जहां से ओनर्स बिलोंग करते हैं। और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ये ऑफर नहीं, इन पपीज को आप लोग इंडिया में कहीं पर भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो फाइनली बात कर लेते हैं पपीज के प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए, एंड फीमेल की है 11,000 रुपीज, यानी 11,000 रुपए। और जब आप लोग इन पपीज को परचेज करने जाओगे तो इस प्राइस में से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इन पपीज की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग भी अपने डॉग्स को सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो अपने डॉग्स की वीडियोस और उनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, नंबर मेरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।